मैं अभी अभी कराची पहुंचा, बस घर ही आ रहा हूँ। सब ठीक है? आप ही ठीक है? अरे नहीं है आप ही ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है, जल्दी पहुंचो तुम घर। क्या सचिला? हेलो, मुझे हाथ उठा दिया अभी, कुछ वैसा तो नहीं हो, आपको पता है ना? उसने भी तो किसी को नहीं बताया ना सिप्तन, किसी से तो शेयर करती ना, मुझे भी बता देती, मैं रोक देती उसे। अच्छा सुनो, तुम जा रही हो इस स्वयं में? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उनके घर में अजीब से वाइब्स आती हैं, डिप्रेशन होने लगता है। हाँ वैसे क्या तो सही रही हो, दिल तो मेरा भी बहुत घबराता है वहां जाके। भाई नहुसे ज्यादा घर है, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है वहाँ। I'm really sorry. Please sit down. मुझे ये कहना है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, हो सके तो माफ कर देना। मरियम एक मिनट बात सुनो मेरी। सिप्तन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। सुनो देखो, बहुत दिन हो गए हमारे दरमियान, बहुत डिफरेंसेस पैदा हो गए, हमें बात करनी चाहिए, प्लीज टॉक टू मी। आई डोंट वांट टू टॉक मरियम। सिप्तन आई एम रियली सॉरी, जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, बहुत ही स्टूपिड मेरा गुस्सा था, आई एम रियली सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, जिस रिश्ते में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस रिश्ते का भी कोई फायदा नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो मरियम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, गुस्सा था, अब उतर गया। क्या मतलब है इस बात का सिप्तन? गुस्सा था, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, कल को खुदा न खास्ता आपको ज्यादा गुस्सा आएगा तो? ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आई प्रॉमिस कभी ऐसा नहीं होगा दोबारा।
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपने गुस्से में रिएक्ट किया ही ना हो। लास्ट चांस प्लीज, आखिरी मौका, वादा करता हूँ दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। सिप्टेन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपने वादा खिलाफी की ही नहीं। आप जानते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आपको सबसे ज्यादा फिक्र उसकी रिस्पेक्ट की होती है, और जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो आपने मेरे साथ किया है। ये है आपका प्यार कि आपने मुझे मेरी सफाई पेश करने का एक मौका तक नहीं दिया। ठीक कह रही हो तुम, मरियम मेरी जान, तुम मुझे तो जानती हो ना, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। आई एडमिट, मैं मानता हूं कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ, कभी दोबारा नहीं होगा मरियम, प्लीज माफ कर दो यार। और आपको ये लगता है कि गुस्से में बीवी को थप्पड़ मारना एक नॉर्मल सी बात है? नहीं मरियम, बिल्कुल नहीं। यू व्हाट्सएप टेन मेरा भरोसा तोड़ा है, और मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसी वजह से वापस आई हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। ये चाहती थी जिस तरह मेरा भरोसा टूटे वैसे उनका भी भरोसा टूटे। बहुत मान रखते हैं वो आप लोगों का, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपका ये रूप भी है जैसे मुझे हुआ है। लेकिन क्या करूं, दुनिया के सामने अपने रिश्ते का तमाशा बनते नहीं देखना चाहती थी इसीलिए वापस आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हया जी, अम्मी बेटे वो माँ जी की अलमारी की चाबियां कहाँ रखी हुई हैं? नहीं अम्मी, मुझे नहीं मिली, क्यों क्या हुआ? पता नहीं, मैंने ढूंढ ली हर जगह, मिली नहीं रही माँ जी की अलमारी की चाबियां। उनके साइड टेबल पे देखी, वहीं भी तो रखती थी। हाँ वहाँ भी देखा है, मैं तो पूरा कमरा खंगाल लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। पप्पो से पूछो। नहीं भाई, तौबा करो, उससे कौन पूछेगा, इतना शोर मचाएगी। अच्छा बाबा आए तो उनको बोलना, अपने तरीके से पूछ ले, वो बता देंगे। चलो ठीक है, तुम्हारे बाबा आ जाएं तो बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ये देखें मैं किसे साथ लाया हूँ। और बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक आंटी, आप बताएं। मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो वहाँ पे मुझे यासिन नजर आया, मैंने कहा इसको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत अच्छा किया, आप आओ आओ बैठो। जी हया, दो कप चाय बना के लाओ और साथ में कबाब भी तल के ले आना। हाँ और बेटे क्या हाल है, घर में सब खैरियत है? ठीक सब ठीक है आंटी, आप बताएं। अंकल नजर नहीं आ रहे। वो अभी आए नहीं हैं घर। हेलो, हाँ वो आई एम रियली सॉरी, दादू का सीन ऐसी गलती से मेरे पास आ गया है। मुझे बताया था बाबा ने कि आप उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं। मैं फिर एक काम करती हूँ, ऑफिस जाते हुए वो यासिर को पकड़ा दूँगी, आप यासिर से ले लेना। ओके अल्लाह हाफिज़। रजिया जी, बीबी ऊपर मेरे रूम में ना फाइल पड़ी है ब्लू कलर की, प्लीज़ वो मुझे ला देती। जी मैं भी ला देती हूँ। क्यों
पे पता नहीं मरियम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया उसको। सिप्ते इस वक्त तुम अपने आप पे ध्यान दो, 3-4 दिन में मान जाएगी, मेरी बात मान लो तुम। 2 दिन हो गए मरियम ने मुझसे बात नहीं की, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा वो ठीक हो जाएगी। तीन बार तुम्हें समझाया है, प्यार करो उसको 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसको बीवी होने के नाते अपना मुकाम पता होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाए और तुम नाच रहे हो। कोई भी औरत ऐसे मर्द की कहाँ इज्जत करेगी जो उसके पाँव में गिरे जा रहा है। प्यार करो लेकिन इतना नहीं कि वो सर पे चढ़ जाए, कि ना तुम्हारी मोहब्बत और ना तुम्हारी माफी उसके आगे कोई औकात ही नहीं है। पहले दिन से मुझे पता चल गया था ये निभाने वाली टाइप नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी तुम्हारी पसंद के लिए मैं चुप। जिस दिन भी जो भी हुआ मैंने चुप से अपना गम सह लिया, ना तुमसे ना उससे कोई शिकायत नहीं की। और कैसे करती सिप्ते, तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी थी उसे। ये तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि पता नहीं कौन सी नेकी की थी कि मुझे इतना अच्छा भाई मिला जो इतनी कदर करता है। जो अपनी बहनों को डिफेंड करता हूँ उनके लिए खड़ा होता। आप ही, मैं चाहता हूँ बस घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुई हैं, अगर सब कुछ इस तरह खराब ना हुआ तो मैं मरियम से जरूर कहता माफी मांगने के लिए। वो जो मिर्जा भाई वाली सिचुएशन हुई, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो ना मेरे लिए यही काफी है। अभी अगर तुमने उसको कहा कि वो मुझसे माफी मांगे उसको और गुस्सा आ जाएगा, छोड़ दो। ये पूरे किस्से को भूल जाओ, जो हो गया हो गया। दिल छोटा मत कर, कुछ गलत नहीं किया तुमने। थैंक यू आपी, थैंक यू, आपने इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर दी। आपियों का यही काम होता है, बस तुम दिल छोटा मत करो। हाँ है, हाँ मैंने इतनी दफ़ा फ़ोन्स किए हैं तुम्हें, इतने मैसेजेस किए हैं, ना तुम फ़ोन बैक कर रही हो ना तुम मैसेज का रिप्लाई कर रही हो, सब कुछ क्या है यार? मैं बिजी थी। बिजी थी तुम, तो क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो फिर सब? सुनील मुझे प्रेशराइज ना करे, मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए तुम्हें मुझसे? स्पेस चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हें किस बात की स्पेस चाहिए मुझसे? किस बात की स्पेस चाहिए तुम्हें मुझसे? समीर, अफू, सरू मैं बस सिर्फ बात, एक लफ्ज मत बोलना समीर, एक लफ्ज और नहीं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से।
I'm sorry, बेटा। मैंने समझने में देर कर दी। I'm sorry. नहीं, ये बहुत गलत हो गया। ये क्या कर दिया है मैंने? मैं सबको क्या बताऊंगा कि मैंने क्या किया है? ये बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। पहले दिन से मुझे पता चल गया था ये निभाने वाली टाइप नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पसंद के लिए मैं चुप। मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुई हैं। अगर सब कुछ इस तरह खराब ना हुआ तो मैं मरियम से जरूर कहता माफी मांगने के लिए। मिस मरियम, आपको अब्रार साहब बुला रहे हैं। आप प्लीज अब्रार साहब से कह दें कि मुझे एक इमरजेंसी में से जाना पड़ेगा, अगर कोई मीटिंग है तो वो अटेंड कर लें। आप ठीक हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक काम से जाना है। ओके, थैंक यू। सर, आपसे मिर्जा साहब मिलने हैं। बैठो। दो मिनट बात हो सकती है? सिप्ते तो बिल्कुल पागल हो गया, उसके जहन पे बस मरियम सवार हो गई बीमारी की तरह। और भाई, अच्छा भला जान छूटी थी हमारी, चली गई थी मैके। वो दादी के इंतकाल पे, लेकिन ये जो सजीला है ना मेरी जिंदगी का फिंसी, वापस ले आई। ये बंदा पूछे क्यों वापस लेकर आई, और मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों अनम। वो सिर्फ और सिर्फ सिप्ते के आगे नंबर बना रही। सलाम अलैकुम आपी। बाद में बात करती हूँ। मैं सिप्ते को जाके सब सच बता दूंगी। तो बता दो, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम पे यकीन करेगा? लगता है वो थप्पड़ कुल खाई हो तुम।
तो सिर्फ एक ट्रेलर था। मुझे इश्क की इबादत करने दे। आप ही नहीं मानेंगे। सत्यन तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं नीरा को दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मैं क्या करूं, उनके जख्म अभी भरे ही नहीं है। सत्यन मुझे उसके जख्म भरने का एक मौका तो दो। मैं नीरा की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आप जानते तो हैं, अच्छी खासी जिद्दी है आप ही। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। एक वक्त था कि जब मैं चाहता था वो तुम लोगों को छोड़कर मेरे साथ चले, लेकिन उसकी जिद थी कि वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगी। वो मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी अनिला की तरह। मैं बीच में लटका रह गया। एक तरफ मेरी मां थी, दूसरी तरफ मेरी मां पर। सिप्तान, जब वालदैन को और मोहब्बत को एक पलड़े में तोला जाता है ना, तो वालदैन की कुर्बानियां, उनका रुतबा मोहब्बत से हमेशा भारी रहता है। सुख मेरी मोहब्बत भी कमजोर थी, लेकिन यार मेरे पास ये आखिरी मौका है सत्यन, अपनी गलतियों को सुधारने का। प्लीज मुझे एक मौका चाहिए। आई मीन इट। मैं एक और बात भी कन्फर्म करना चाहता हूं यार। कल तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उसमें मरियम बिचारी का कोई कसूर नहीं था। वो तो जब अनिला मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही थी तो मैंने मरियम के ऑफिस उसका नंबर लिया और उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आना चाहता हूँ। उसमें उस बिचारी का कोई कसूर नहीं, वो तो सिर्फ एक मेहमान की खातिर कर रही थी। That's all. ठीक है, मैं कोशिश करता हूं अभी से बात करने की। नहीं बेवकूफ हूं ना मैं, आपको समझ ही नहीं सकी कभी। मरियम तुम अभी भी बच्ची हो, तुम अभी भी नहीं समझ सकोगी मुझे। क्यों कर रही हैं आप ही सब कुछ? सिप्तान आपसे कितना प्यार करते हैं, जान निछावर करते हैं आप पे, हम सब भी आपकी कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में इतनी नफरत भरी हुई है। आपको मुझसे और मेरे घर वालों से आखिर प्रॉब्लम क्या है? पहले दिन से मरियम तुम मुझे जहर लगी। नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से। फिर क्यों, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्या बिगाड़ा है? मेरा भाई मुझसे छीन लिया, पीछे पड़ गई तुम उसकी। मेरा वो भाई जो मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेता था, मैं उसकी जिंदगी में नजर ही नहीं आ रही। तुमने मेरा भाई छीना, मैंने उसे वापस ले लिया। और क्या मिलेगा आपको ये सब कुछ करके? मैं सिप्तान की बीवी हूं, उससे प्यार करते हैं, क्या आपको अपने भाई पे
रहम नहीं आता। मेरी बात सुनो, ये प्यार शायर की बकवास सिर्फ शेर व शायरी की किताबों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में सिर्फ एक बात जरूरी है, मुकाम। मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं सिर्फ देखी जिंदगी में ये मुकाम पाने के लिए। ये मेरा घर है, अनीला हाउस। मैं इसकी मालकन हूं, मैं यहां मरते दम तक राज करूंगी, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अनीला पी। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर। क्या कुछ नहीं किया सत्यन ने आपके लिए, और आप कितनी कमजर्फ निकली। सिप्ते जो भी कर रहा है वो उसका फर्ज है, मेरे एहसानों का मकरूज है वो, और तुम कमजर्फ नहीं हो, गरीब लड़की। क्या जिंदगी भर दौलत के ख्वाब देखे तुमने, और क्या किया तुमने? अमीर लड़का देखा और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुम्हारे किसी बात पे यकीन नहीं है, और ना ही मेरा भाई तुम्हारी किसी बात पे एतबार करे। अनीला पिक, इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। लोगों की बातों में आके इनसे बदजन हो जाते हैं। अभी तो और बदजन होगा, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ठीक नहीं कर रही हैं। मैं सिप्टेन को जाके सब सच बता दूंगी। तो बता दो, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम पे यकीन करेगा? लगता है वो थप्पड़ भूल गई हो तुम, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब सिप्ते तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और धड़के मारकर तुम्हें अनीला हाउस से निकालेगा। मैं आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। देख लेते हैं, मैं तो अनीला हाउस से कहीं नहीं जा रही, तुम अपने देखो। हो अच्छा भाई, जैसे ये प्लांट है ना इतना बड़ा, ऐसे ही मुझे पूरा मनी प्लांट चाहिए, और एक स्नेक प्लांट इधर। जी मिल लिया, आज शाम को चाहिए। मिल लिया, प्लीज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। समीर, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं किसी से नहीं डरती, मैं भी देखती हूं क्या करने की। मरियम, लेकिन कुछ भी करने से पहले अब संभल कर चलना होगा। मैं मरियम को ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती जिससे वो अपने कदम अनीला हाउस में मजबूत करे। मरियम को तो अब घर से निकालना होगा। उन्हें इतना तो तय है कि जीत आखिर में सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी है, लेकिन जब तक मैं आग से ना खेलूं मुझे मजा कहाँ आता है। देख लूंगी मैं।
समीर तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो? खत्म हो गया सब भाभी, खत्म हो गया सब। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात से गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है मुझे बताओ तो, आई एम हियर फॉर यू। और तो क्यों चलेंगे मुझे छोड़ के? बहुत अकेली पड़ गई हूं। काश को बता सकती कि मैं कितनी परेशान हूं, कि मरियम रिश्तों में उलझ कर रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे कहूं ये सब। समझा था मैंने इन लोगों को और ये कैसे निकले। ना तो सिप्तैन वैसे हैं जैसा आप समझती थी, ना ही उनकी फैमिली वैसी है। ये लोग हमसे बहुत अलग हैं। यहाँ खुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैंने तो हमेशा उनको अपनी बड़ी बहन समझा है, फिर भी फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। छत के नीचे इन लोगों के साथ, इतनी नफरतों के साथ मेरा रहना नामुमकिन है। हया बिल्कुल ठीक कहती है, जो जैसा दिखता है ना ऐसा होता नहीं है। कि मैं क्यों नहीं समझ पाई, तो काश मैं आपसे आज बात कर सकती और आपको ये सब बता सकती। ये वाकई मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर उसका ऐसे हाथ नहीं पकड़ा था। पता नहीं क्यों मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो भी तो मुझे इतना इग्नोर कर रही थी, मुसलसल इग्नोर कर रही थी। उसने मेरी किसी बात का रिप्लाई नहीं किया, मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की उसने, सब तक नहीं। मुझे गुस्सा आ गया और मैं वहां चला गया। समीर, अगर तुम्हारे और हया के बिटवीन कोई बात चल रही थी तो तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि हया की फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है, एंड तुम अकेले भी चले गए। यार तुम मुझे तो बता देते ना। आप लोगों को बताता भी तो क्या बताता भाभी। आप लोग कहते कि शायद मैं इनसिक्योर हो रहा हूं। देखो अब तो इशू हो गया है ना। नहीं भाभी, नहीं कोई इशू नहीं हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। आप मेरे साथ चले उनके घर, पर आप हया की फैमिली को यकीन दिलाएं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज भाभी। अच्छा मुझे शहीर से बात करने दो, वो ऐसी सिचुएशन बेटर हैंडल कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी नहीं भाभी। देखें हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं चलना चाहिए अभी भाभी, फौरन चलना चाहिए। समीर प्लीज मुझे सोचने दो। भाभी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, प्लीज मेरे साथ चलें।
हम बाद में भाई को सब कुछ बता देंगे। अभी चलें मेरे साथ प्लीज। चलो उठे बाकी। ये अनिना आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ तो गड़बड़ है। कमे हेलो नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या रे अस्सलाम, तशरीफ रखे। क्या कह रहे हैं आप? अपनी आंखों से देखा है मैंने। हया का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, तकलीफ दे रहा था हमसे। हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी नहीं, गलती ही हो गई है मुझसे। ये रिश्ता तय करके गलती की है मैंने। कैसी बातें कर रहे हैं भाई जान आप? रिश्ता कोई मजाक थोड़ी है। जब दिल चाहा जोड़ लिया, जब दिल चाहा तोड़ दिया। आप ही कहते हैं ना, कैसा नहीं होता तो आप क्यों? जब मैं आपसे कह रही थी कि रिश्ता सही नहीं है, तो उस वक्त तो आपने सिरे से मेरी बात ही रद्द कर दी थी। उल्टा माची की तबीयत का इल्जाम भी आपने मेरे सर पर लगा दिया था। हालांकि माची ने आप दोनों को बिठा के यही बात कही थी ना। लेकिन आप लोगों को तो बस अमीर दामादों की तलब है। कमल, खामखा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी बच्चियों के रिश्ते किसी की दौलत देखकर नहीं किए, बल्कि वो हमारी बच्चियों की पसंद थी। पसंद? कैसी पसंद? किसे उल्लू बना रहे हैं आप दोनों? आपकी बेटियों ने ना लंबे हाथ मारे। अब बुकती बड़े घरों में तो ऐसा ही होता है। अपना मुंह बंद रखो कवल, मैं बाप हूं और जिंदा भी हूं, अभी अपनी बेटियों के लिए फैसला ले सकता हूं। जो फैसला मुझे ठीक लगेगा वो लूंगा, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है मुझे। बस जब भी मैं कुछ कहती हूँ ना, आप मुझे पराया कर देते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, आप लोगों की मर्जी, जो दिल चाहे करें। बस ज़हरा मैंने सोच लिया, तुम शहीद को फोन करो और उसको मना कर दो इस रिश्ते के लिए। मैं ये मंगनी तोड़ रहा। किन जी प्लीज एक मर्तबा सोच लें, इतनी जल्दबाजी मत करें। इस तरह बच्ची का रिश्ता खत्म करके हम क्या जवाब देंगे लोगों को?